सबसे पहले तो मैं अपने तमाम चाहने वालों को, तमाम मीडिया कर्मी को सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और फटीचर के बारे में मैं एक बात बताना चाहता हूं कि फटीचर अपने आप में एक ऐसा सब्जेक्ट है जो गांव में निकम्मे आदमी को बोला जाता है फटीचर। उसे समझा जाता है कि ये किसी काम का नहीं है, हर कोई उसे ताना मारता है। वो इंसान अपने आप में घूटता रहता है कि फटीचर आखिर है क्या। वो फटीचर एक दिन टीचर जब बन करके सबके सामने आता है, क्योंकि उसके पास कुछ प्लान होते हैं, उसके पास कुछ तरकीब होते हैं, जो तरकीब किसको कैसे बताए किसी को समझ में नहीं आती है, तो उसको एक फटीचर नाम दिया गया। अरे ये तो फटीचर है, बस यूं ही ये बोलते रहता है, बस ऐसे ही करते रहता है। तो ये हमने एक इंसान की सच्ची घटना पर आधारित एक फिल्म है फटीचर, जो बनाने जा रहे हैं, जिसे देखने के बाद हर इंसान को लगेगा जो कोई कुछ बातें पब्लिक को, अपने पेरेंट्स को, अपने गार्जियन को बताना चाहता है और जब उसकी बातें कोई नहीं मानता है, वो उस बच्चे की कहानी है, अपने आप में एक दर्द लिए वो दर बदर यहाँ वहाँ घूमता है कि आखिर मैं जो चाहता हूँ लोग समझ क्यों नहीं पाते हैं। और जब उसकी बातें समझते हैं तब दुनिया बोलती है कि ये फटीचर नहीं, ये टीचर था। तो हमने इस फिल्म को इसके लिए बनाने का निर्णय लिया, क्योंकि सबसे पहले बात है कि जो यूपी बिहार के, खास करके यूपी बिहार जो पलायन होता है, वहाँ के बच्चों में पढ़ाई करने के बाद उनका एक ही मकसद होता है कि बाहर कमाने जाना है, बाहर तुम्हें काम करने जाना। उनके माता पिता अगर पढ़ाते भी हैं तो बस इसीलिए कि तुम्हें कहीं ना कहीं बाहर जाके जॉब करना है, बाहर कमाना है। तो हम ये जो यूपी बिहार का जो पलायन है उसको दूर करने के लिए ये हमारी कहानी उस पर कटाक्ष है कि लोग क्यों, यूपी बिहार के लोग इतने परिश्रमिक होते हैं, इतने मेहनती होते हैं, फिर भी उनको दर बदर भटकना पड़ता है। सब कुछ होते हुए भी हुनर में यूपी बिहार से बढ़ के कोई नहीं है, टैलेंटेड में यूपी बिहार से बढ़ के कोई नहीं है, फिर भी वो दर बदर पे घूमने पे भटक लोग की कहानी हमने फटीचर लेके आया है, जो पलायन को खास करके मारेगा। और यूपी बिहार में हम ऐसा स्वरोजगार एक इस फिल्म के माध्यम से देने वाले हैं जो वहाँ के नौजुकों को वर्क मिलेगा, वहाँ पे काम मिलेगा। ऐसे से हम उद्योग इसमें दिखाएंगे, हम सरकार को भी इसमें जागरूक कर रहे हैं, अपने पब्लिक को इसमें जागरूक कर रहे हैं। ये फिल्म बनाने का मेरा उद्देश्य यही है और इसके लिए मैंने अपने टीम को जो रखा है, हमारा टीम जो है, चाहता हूँ कि फटीचर में हर किसी का सहयोग रहे, हर किसी का इसमें लगन हो। हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं, हर किसी के मेहनत से हम सक्सेस होना चाहते हैं, तो आप सबका इसमें सहयोग, आप सबका बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए। और जो मैं दुनिया को जो मैसेज देने जाना चाहता हूं, जो देने वाला हूं, वो मैं चाहता हूं कि सही तरह से रख पाऊं। इसके लिए मैंने निर्माण में ये फिल्म फटीचर का मैंने स्टार्टिंग किया है, जिसका आज मुहूर्त है। इसमें हमारे साथ सबसे बड़ी बात है कि सब्जेक्ट मैंने जब पहले सोचा था फटीचर, ये फटीचर टाइटल एक्चुअली आज का नहीं है, ये सबसे मेरा के मेलोडी का, जब पहले हमने 2010 में हमने अपना प्रोजेक्ट चालू किया था के मेलोडी म्यूजिक कंपनी, उस समय पहला अगर मैंने रजिस्ट्रेशन हुआ था तो फटीचर ही हुआ था। उसका टोटल देख रेख मेरे हाथों में था, मैंने फटीचर, और अच्छी बात है कि मुझे फटीचर का टाइटल मिल भी गया। तो फटीचर बनाएंगे और जो भी इसमें हमारे तकनीकी हैं उनका सबका मैं चाहता हूँ कि बहुत अच्छी से सहयोग करें, और आप सबका आशीर्वाद, आप सबका प्यार मुझे चाहिए। इसमें कास्ट की जो बात है, देखिए आजकल भोजपुरी में बहुत ऐसे दिग्गज कलाकार हैं, बहुत ऐसे भारी कलाकार हैं, जैसे नाम भी मैं ले लेता हूँ, खेसारी लाल यादव, दिनेश लाल यादव और पवन सिंह, ये ऐसे दिग्गज स्टार हैं जिनको मार पाना बहुत ही मुश्किल है। इनको मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं उनको मारने वाला हूँ या हटाने वाला हूँ या कुछ ऐसा करता हूँ कि उन पर भारी पड़ेगा, मगर ये मेरा एक कोशिश जरूर है कि एक ऐसा मैं कलाकार को लॉन्च करने वाला हूँ जिसका नाम है रियाज आजमी, उसको मैं इस तरह से कुछ बना के प्रेजेंट्स कर रहा हूँ कि इन लोगों पर कहीं ना कहीं भारी पड़ेगा वो, क्योंकि उस लड़के में पवन सिंह जैसी गायकी नहीं है, मगर फिर भी वो गायक है। खेसारी लाल जैसा डांस नहीं करेगा, मगर फिर भी उनको कहीं ना कहीं मात देने वाला, निरहू जैसा डायलॉग्स डिलीवरी देने वाला लड़का है। तो मैंने बहुत सोच समझ कर रियाज आजमी को इसमें लॉन्च कर रहा हूँ, और हमारे एक और फिल्म का वो भी हीरो हैं, हमने उनको दो फिल्मों में लॉन्च कर रहा हूँ, एक खिलाड़ी भैया के लिए और एक फटीचर के लिए, जो आप लोगों को सामने आएगा इस साल के लास्ट तक देखने को मिलेगा। ईद के मौके पर मैं उसे रिलीज भी करने वाला हूँ, खिलाड़ी भैया, और आप लोग को उनका
बेहतर काम देखने को मिलेगा। देखिए म्यूजिक का जिसको कारभार मैंने दिया है उनका नाम है संतोष पुरी। ये एक ऐसे राइटर है, मैं इनको पहली बार जब मैं बाहर था तब इनको मैंने कभी सुना था। एक देवी जो हमारे छपरा की हैं, देवी जिनका बहुत ही गाना हिट हुआ था अहिले मोरे राजा लेके ढोल बाजा, और वो गाना संतोष पुरी ने ही लिखा था। और उनका सोच को मैं सलाम करता हूँ कि उनका क्या सोच है। हमारे फिल्म में भी उन्होंने जो गाना दिया है मैंने उनके ऊपर पूरा डिपेंड हो गया हूँ, छोड़ दिया हूँ कि संतोष जी आप जो मुझे बना कर देंगे सर आंखों पे है। मैंने संगीत और गीत में कहीं भी टोक टाक उनको नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके हाथों में छोड़ा हूँ, क्योंकि बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं, बहुत ही हुनर वाले हैं। और मेरे साथ उनको ही दोनों फिल्मों का संगीत मैंने संतोष पुरी जी को ही दिया है। और आशा ही नहीं पूरा भरोसा है, यकीन है कि मैंने जिनको सिलेक्ट किया है वो काबिले तारीफ है। ये मैं अभी कास्ट हमारा कुछ चयन हुआ है और कुछ कास्ट का चयन मुझे बाकी है। और ये फिल्म मैं होली के 10वां दिन या 15वां दिन है मैं शूट पे रहूँगा। इसका शूटिंग हम नॉर्थ बंगाल, नेपाल और बिहार के कुछ डिस्ट्रिक्ट में हमने सिलेक्ट किया है, और ये मैं उस समय पूरा करूँगा। देखिए यह फिल्म जो है हमारे रियल कहानी के ऊपर बना हुआ है, रियल घटना। इसमें हम लोग एक शब्द भी नजायज नहीं डाले। सबसे पहले मैं जब फिल्म बनाने आया हूँ और इस फिल्म का राइटर हूँ, मेरे ऊपर ही फिल्म डिपेंड करता है और बनाया गया है, तो सबसे पहले मैं फिल्म दुनिया की बात कर रहा हूँ। मैं फिल्म दुनिया का एफ तक नहीं जानता था, ना जानता हूँ इससे पहले, लेकिन मैंने 94 में जब हम 6 क्लास में थे तो हमने विज्ञान के बारे में पढ़ा था। विज्ञान अच्छा भी होता है और ख़राब भी होता है। जब से खासकर मैं हिंदी फिल्म की बात तो करूँगा नहीं, चूँकि भोजपुरी फिल्म बना रहा हूँ तो भोजपुरी फिल्म का ही बात करूँगा। तो जब से भोजपुरी फिल्म का लोगों ने निर्माण करना शुरू किया और विज्ञान चाहती थी, विज्ञान के माध्यम से लोग चाहते थे जो लोगों को मनोरंजन के अलावे कुछ ऐसा चीज़ सिखाए जो लोगों को सीखे और लोगों तक मैसेज जाए, लेकिन फिल्मी दुनिया के लोगों ने पैसा कमाने के चक्कर में फिल्मी जगत को, भोजपुरी जगत को खराब कर दिया, और इतना खराब किया जिसका कोई बर्नर नहीं है। तो हमारे माइंड में बात आया जो फिल्मी दुनिया जो बर्बाद हो गई है उस दुनिया को फिर से दोबारा आबाद कर दे। सर किस तरह से खराब? एक मिनट, सबसे पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा, सर जब मैं बोलना शुरू करूँ तो बीच में कोई आदमी डिस्टर्ब नहीं करे, मैं सब लोगों को मौका दूंगा। 1,00,000 क्वेश्चन करेंगे, मैं 1,00,000 क्वेश्चन का जवाब दूंगा, लेकिन सबसे पहले बोलने दीजिए, आपका क्वेश्चन का जवाब आगे आपको खुद स्वयं मिल जाएगा। तो आपका क्वेश्चन था जो किस तरह लोगों ने बर्बाद किया। आज इतना घटिया गाना, इतना घटिया सीन, जो भारत की संस्कृति है, खासकर बिहार और यूपी की जो संस्कृति है, सब भोजपुरियों ने समाप्त कर दिया। लेकिन सर वही लोग देख रहे हैं तो क्या किया? मैंने आपको क्या बोला, जो मेरी बातों को सुन लीजिए उसके बाद क्वेश्चन कीजिएगा। ज़्यादा होशियार बनना अच्छी बात नहीं है, बुरा मत मानिएगा। तो हमने सोचा जो फिल्म के माध्यम से लोगों को सीखा है, और सबसे पहली बात है जो एक होता है केवल बात को सोचना और एक होता है करना। तो हमने केवल सोचा नहीं है, हमने करके दिखाया है और कर रहे हैं, खासकर बिहार में कर रहे हैं, और हमारा प्लान है मैं पूरे भारत में बहुत जल्द ही स्टार्ट कर दूं। और पूछेंगे क्या किया हमने बिहार में, तो बिहार में हमने फ्री हॉस्पिटल, फ्री पढ़ाई, फ्री सिलाई सेंटर, फ्री ब्यूटिशन कोर्स हमने चालू कर दिया है, जो आज तक बिहार सरकार भी नहीं कर पाई।
तो अब तो फिल्मी दुनिया को हम लोग आने वाले समय में इतना ठीक कर देंगे जो आज तक कभी हुआ नहीं है। अब फिल्मी दुनिया की बात हो गई, अब मैं क्योंकि फर्टिजे फिल्म बना रहा हूँ और हमने लिखा है और हम निर्माता भी है, तो फर्टीचर का सबसे पहले अर्थ समझ लीजिए, क्योंकि फर्टीचर को भी लोग फर्टीचर के नामों को लोग बदनाम कर रहे हैं। आज तक इस हमारे समझ से इस पूरे भारत में कोई फर्टीचर है ही नहीं, फर्टीचर के नामों को बदनाम किया जा रहा है, क्योंकि फर्टीचर उस व्यक्ति को कहते हैं सर जिसके पास एक रुपया नहीं हो, जिस व्यक्ति के पास एक रुपया नहीं हो और पूरे भारत की भलाई के बारे में सोचे और सोचे ही नहीं वो करे। फिर मैंने क्या बोला था आपको, अरे बात सुन लीजिए, इस फिल्म की कहानी के माध्यम से अभी स्टार्टिंग में हम बिहार और यूपी के किसानों को बेरोजगारों को जो दिल्ली मुंबई जो अपने परिवार को छोड़ के लोग 10,000-15,000 की नौकरी में कमाते हैं उन लोगों के लिए मैंने कम से कम 30,000 का रोजगार दिया है लोगों को जो ठेले रिक्शा चलाते हैं, और बिहार यूपी के किसानों को कम से कम 60 से 70 का महीना हम लोग बिजनेस देने जा रहे हैं। और यह कोई झूठी कहानी नहीं है, हमारे फिल्म रिलीज होने से पहले हमारा कंपनी बिहार में बिजनेस चालू कर देगी, और इस फिल्म के माध्यम से जो लोग हमारे फिल्म देखेंगे उसमें नंबर लिखा हुआ रहेगा, नंबर पे फोन करेंगे और फोन करके वो हमारी सुविधा को उठाएंगे। यह कोई झूठी कहानी नहीं है, एकदम रियल घटना है और रियल कहानी है और रियल कहानी होने जा रहा है। हम लोग एक ऐसे हॉस्पिटल का ओपनिंग किए हैं और चला रहे हैं जो हमारे संपर्क में हमारे साथ जो डॉक्टर हैं वो ऐसा डॉक्टर पूरे वर्ल्ड में नहीं है, क्योंकि हम लोगों के पास एड्स और कैंसर का परफेक्ट इलाज है बहुत बहुत कम पैसों में, जो आज तक पूरे वर्ल्ड में नहीं है। अमेरिका ने कहा है इंडिया को सो आपके पास कैंसर का इलाज है आप अच्छी तरह से रिसर्च करें, लेकिन हम लोगों के पास आ गया इलाज और मीडिया के माध्यम से अभी तो आ गया ना, समय में पूरे इंडिया को पूरे वर्ल्ड को हम लोग बताएंगे सो हमारे पास एड्स और कैंसर का और पूरे विश्व में जितना भी गंभीर बीमारी है उस सब का इलाज हमारे संस्था में आ गई है। हमने एक संस्था बनाया है मानव सेवा में विकास केंद्र। सर ये इलाज आप फिल्म में दिखाने वाले हैं? एकदम फिल्म में दिखाएंगे और लोगों को उसमें किया जाएगा, साहब मेरे सेंटर पे आइए और फ्री इलाज है, उसमें पैसे की कोई जरूरत नहीं है और वो पूरे इंडिया के लोग उसमें आएंगे फ्री इलाज कराएंगे। और हमारे यहाँ पेशेंट 15-20 दिन में आता है तो कोई पैसा नहीं लिया जाता है, बिल्कुल फ्री इलाज हो रहा है केवल दवाई खर्च में। कैंसर में 10-20 लाख-50 लाख रुपया लगता है, लेकिन हम लोग मुश्किल से 60 से 70 हजार में उसका इलाज कर देते हैं। तो यही हम लोग की कहानी है और इसी कहानी के माध्यम से दूसरी बात जो किसान सर क्या कहेंगे, किस तरह का संगीत की तैयारी कर रहे हैं आप? ये सबसे पहले तो मैं अपने प्यारे दर्शकों को नमस्कार करता हूँ तहे दिल से, और अपने इस फिल्म के सारे कास्ट को मैं बधाई देता हूँ, अपने फिल्म के डायरेक्टर को बधाई देता हूँ, डीओपी अपने कैमरामैन को बधाई देता हूँ, अपने दोनों हीरो को बधाई देता हूँ, अपने हीरोइनों को बधाई देता हूँ, और ये उम्मीद करता हूँ कि सारी टीम मिल के मेहनत करके एक सफल फिल्म बनाएंगे। और गीत संगीत जो है मेरे ओर से जो भी हो पाएगा मैं अपना पूरा 100% देने की कोशिश करूँगा, और ये कोशिश करूंगा कि दिल से निकला हुआ चीज दिल तक पहुंचे। जो इसका टैग है वो फर्टीचर करके है। जी ये एक फर्श से अर्श तक की कहानी है। किस तरह का होगा इसका? जी जैसे कि फर्टीचर आप नाम देख रहे हैं, ये एक फर्श से अर्श तक की कहानी है। एक आम इंसान कैसे मेहनत करके आगे बढ़ता है और ऊंचाइयों को छूता है, ये उसकी कहानी है। तो उसी से संघर्ष रस कुछ गाने ऐसे रहेंगे जो मोटिवेशनल सॉन्ग होंगे और मेलोडी सॉन्ग रहेगा, बहुत सारे म्यूजिकल रिदमिक जाने आजकल डीजे का चल रहा है वैसा भी रहेगा। मैं तो कोशिश करूंगा कि वेरिएशन रहे सारे चीज़ों में और अच्छा से अच्छा करने की कोशिश रहेगी। जब
डायरेक्टर साहब ने हमसे ये अपेक्षा किया है, सारे ने इतनी उम्मीद जताई है, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि अपने तहे दिल से दिलो जान लगा दूं फिल्म के लिए। धन्यवाद। रे पगला चल जाओ चल जाओ, सब कुछ छोड़ रे, सब कुछ छोड़ रे, चल चल रे बटोहिया भाई, ई बात न कहियो राई, चल चल रे बटोहिया भाई, ई बात न कहियो राई, जेकरा बाप न बाटे माई, जेकरा बाप न बाटे माई, बतावा राम जी ऊ तटुअरे मुँह कहाई, बतावा राम जी आपन भाई न बाड़ी भौ जाए, कैसे जिंदगी अकेला जियल जाई, चल चल रे बटहिया भाई, ई बात न कहियो राई, जेकरा बाप न बाटे माई। कितनी तैयारी है इसे बोलेगा, कितनी दुख सुखता है। सबसे पहले तो आप सभी लोगों के हम प्रणाम करना चाहब, काहे कि आप लोग के माध्यम से अलग इतना लोग देखी या सुनी, अजी भी आयल बा हमार भैया छोट भाई चाचा उचा भी केहू बारे, सभी लोग के हम दिल से प्रणाम करते हैं। आए फिल्म के लेके हम बहुत बहुत ही उत्साहित बनी, हमरा बहुत अच्छा लगा था कि बिल्कुल यू कहानी है जौन हमार जिंदगी के रियल कहानी है, जौन हम जियल बानी उहे में जिए के बा। हमरा उम्मीद बा कि हम एक अच्छा से निभा ले, सभी लोग के जरूर पसंद आई। स्क्रिप्ट आपने पढ़ी होगी, अब तक तो आपका ना ना स्क्रिप्ट अभी हमरा मिलल नहीं है, काहे से कि अभी हमरा पहला फिल्म खिलाड़ी भैया के काम चल रहा होता, वही में एक कहानी थोड़ा मोड़ा सुनावल गई बा, अभी स्क्रिप्ट और ये सब पे काम होता, जब हो जाए तब। कितना धमाल करने वाले हैं? अब धमाल तो कोई स्टार नहीं दिख रही है, कहाँ है जो पोस्टर में लगी? ना ना स्टार लोग बारे में देखी है, लोग बाद में देखी है, फिल्मों में पोस्टर वहाँ पे नहीं खेल दिखा। तो और क्या कहेंगे आप, जैसे कि फिल्म गाने किस तरह के हैं फिल्म के अंदर? और गाना गाना जब संतोष भैया के दिहल गई है तो हमें गलती ना हो सकेला, बहुत अच्छा राइटर, बहुत बढ़िया म्यूजिक डायरेक्टर और बहुत ही अच्छा गाना और म्यूजिक बनी है, और हमें कौन सा अपना बहुत अच्छा बना। कन्हैया जी के साथ आपकी फिल्म हो चुकी है दूसरी, करने वाले हैं, तो किस तरह का मेल है आपको कॉम्बिनेशन कैसा रहा है? कन्हैया भैया हमारे भैया ही नहीं, हमारा बाप समान बड़े कि हमरा जैसे एगो एल्बम के गायक के हम तो एल्बम में ही गाना उना गावत रही, हम तो कहाँ हीरो हीरो के इतना जल्दी सोच ले, बाकी कन्हैया भैया हमरा के हीरो तक बनावे के सोच ले या बनौले, एक फिल्म ना दू गो फिल्म हमरा मिलल भैया, तो हमरा खातिर हमरा बात समझ में। दर्शक लोग खातिर एगो गाना हम सुना देते हैं, जवन अभी एल्बम रिलीज होता हमार प्यार काहे होला, उन्हें वो गाना है जैना के संतोष भैया ही निकले हैं जो फिल्म में म्यूजिक डायरेक्टर बने, उनका निकल गाना है। काहे छोड़ी गईलू प्यारे यार के बिसार के, काहे छोड़ी गईलू प्यार यार के बिसार के, रोता तुहार दीवाना करे जाके फार के, रोता तुहार दीवाना करे जाके फार के, सपना सपना सजावन सारा गईलू तू जार के, सपना सजावन सारा गईलू तू जार के, रोता तुहार दीवाना करे जाके फार के, रोता तुहार दीवाना
करे जाके फा। सर सबसे पहले हम पूरा यूपी और पूरा बिहार और पूरा भोजपुरी समाज के तहे दिल से नमस्कार करते हैं और लाड प्यार प्राप्त करते हैं। हम बानी रंजीत विश्वकर्मा आर एल बानी कॉमेडी के रूप में भोजपुरी पिक्चर खिलाड़ी भैया में पहला चांस मिलल बा हमके। एक पहले भी हम बहुत काम कैले रहनी पर कुछ एडिटिंग में अटक गई, कुछ रिलीज ना भइल, कुछ कचरा के डब्बा में चल गए। पर खिलाड़ी भैया से उम्मीद बाटे कि हमार मनोकामना पूरा हो। आपको दोबारा चांस मिलेगा। हाँ, इस फीचर फिल्म में चांस मिलेगा पर अभी करेक्टर डिसीजन नहीं है। अच्छा, तैयारी की है? सर अभी स्क्रिप्ट नहीं मिला है और 100% कहानी का सिचुएशन क्या है वो हमें नहीं मिला है, इसलिए हम उसके अनुसार अभी तैयारी तो नहीं किया हूँ। पर जब तक स्क्रिप्ट नहीं मिलता है तब तक हम उसके अनुसार अपने हिसाब से हम कुछ तैयारी नहीं कर सकते हैं। पर इतना हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है कि स्क्रिप्ट के हिसाब से जो भी मिलेगा उसे हम अच्छी से अच्छी तरह से उस कैरेक्टर को निभाएंगे। और उसके बाद मैं सबसे पहले मनोज तिवारी जी को तहे दिल से मैं नमस्कार करता हूँ, जिसके वजह से भोजपुरी को लोग जानने लगे। एक वो भी इंसान थे जो भोजपुरी में आए और भोजपुरी को जगा दिए, इसलिए मैं उनका बहुत बड़ा फ्रेंड हूँ और तहे दिल से उनका बार बार नमस्कार करता हूँ। और जो आज के डिस्ट्रीब्यूटर हैं उन लोगों से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि जो भोजपुरी फिल्मों में 8 गाने और 10 गाने का डिमांड करते हैं कि नहीं 8 गाना 10 गाना रहेगा तभी हम रिलीज करेंगे पिक्चर को, तो प्लीज सभी डिस्ट्रीब्यूटर से मैं हाथ जोड़ के नम्र विनती करता हूँ कि डिमांड ना करें, क्योंकि थिएटर में लोग देखते हैं तो हर 4 सीन के बाद एक गाना आ जाता है और वो भी गाना ना गाने का कोई सिक्वेंसर है ना कोई लाइन लेवल है, कोई सा भी गाना किधर भी डाल दिया जा रहा है, तो उसको सुधारने का कोशिश करें। और 8 गाना 10 गाना होने की वजह से जो थिएटर में लोग देखने जाते हैं तो बल्कि तालियां नहीं गालियां देते हैं। सबसे पहले मैं शुभकामना देना चाहता हूँ प्रोड्यूसर और लेखक राकेश कुमार यादव जी, उस शख्स ने उसकी भावना को समझना जरूरी है। पहली बार फिल्म इंडस्ट्री में आए हैं और कड़ी मेहनत के साथ फिल्म बना रहे हैं, उनका खुद का एक रिसर्च है, खुद की जीवनी है, खुद की सच्चाई है, जिसको पर्दे पर बड़े पर्दे पर स्कैन करके लोगों को बताना चाहते हैं। शायद हम लोग मीडिया से नफीक किया लेकिन उनके अंदर कहीं ना कहीं एक सच्चाई है जो अपने द्वारा व्यक्त करना चाह रहे हैं। और इस फिल्म फटीजर के द्वारा उन्हें निर्देशक कन्हैया कुशवाहा को लिया है, जो बहुत ही टैलेंटेड शख्स है और खुद एक अच्छे गीतकार भी हैं और मेरे प्रिय दोस्त भी हैं। तो पहले तो कन्हैया कुशवाहा जी को मेरे तरफ से धन्यवाद और राकेश यादव जी को मेरे तरफ से तहे दिल से शुक्रिया कि वे इस तरह की फिल्म बनाने का जो उनके दिल में ख्वाहिश है उसको पूरा करने का संकल्प लिए। यहाँ पे जो छायांकन है कैमरा उसमें कराफर हैं दिनेश आर पटेल जी, वो भी अच्छे टेक्नीशियन हैं, अच्छी अच्छी फिल्में किए हैं, उनको भी शुक्रिया। और पूरे यूनिट को मेरे तरफ से एज ए टेक्नीशियन, मैं भी टेक्नीशियन हूँ, एक टेक्नीशियन की तरफ से पूरी टेक्नीशियन टीम को जो जो टीम में हैं जो भी शख्स हैं जितने टेक्नीशियन उनको धन्यवाद, और जो नए उभरते नवोदित कलाकार हैं उनको भी धन्यवाद। मेहनत करें, कड़ी मेहनत करें, हम क्या कर सकते इम्पोर्टेंट नहीं है, आप कोशिश कीजिए, एक अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश कीजिए। हम कोशिश करते बिहार उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान को बदलना हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन हम पहल कर सकते कोशिश कर सकते हैं, एक कदम बढ़ाएंगे तो कारवा बनता चला जाएगा। शुरुआत कीजिए, बाकी ऊपर वाला साथ में है, पूरी जनता आपके साथ में है, यूपी बिहार की जनता साथ में है और हमारे क्या रोल है इंटरव्यू का। पहले मैं जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस मुहूर्त में आए अपना विश कीमती समय निकाल करके, और कन्हैया भाई को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद।
और हमारे निर्माता जी हैं राकेश कुमार यादव, उनको भी मेरे तरफ से बधाई। और दिनेश जी, नवीन दुबे, ये संगीत संतोष पुरी जी को भी ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। कन्हैया भाई ने एक चीज वो हमें सुन रहा था, वो बता रहे थे कि ये फिल्म की कहानी तो मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली, थोड़ा बहुत इनसे जो मैंने सुना बता रहा हूँ। एक बहुत अच्छी बात बोले इन्होंने, बोली कि जो बिहार और यूपी से जो पलायन होता है, जो पढ़ लिख करके पलायन कर जाते हैं कि हाँ भाई चलो हमने पढ़ लिया, हमारी शिक्षा दीक्षा पूरी हो गई, अब चलो बॉम्बे चलते हैं कमाने, दिल्ली चलते हैं, लेकिन हमको ये कहना है कि अपने यूपी बिहार में रोजगार की कमी नहीं है, और कृषि के क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में, आप कोई भी छोटा मोटा लघु उद्योग लगा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, हम लोग अगर लाज शर्म छोड़ दें, जो हम लोग शर्माते हैं कि अरे भाई हम काम कर रहे हैं तो अरे फलना देखें तो का कहीं है, छोट काम करता नहीं चाहे बड़ा काम करता नहीं, अगर लाज निकाल दिया जाए तो आदमी कहीं भी काम कर सकता, हमने के बॉम्बे दिल्ली इलाके की जरूरत नहीं है, अपने यहाँ ढेर सारा संभावना बा, बहुत सारा रोजगार बा। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी ये कन्हैया जी जो बताए। आपका क्या किरदार है? मेरा किरदार अब कन्हैया जी ही बताएंगे क्या है। मैं नेगेटिव कर, इससे पहले नेगेटिव रोल किया अपने, अभी मेरी एक फिल्म आ रही है चीरहरण, और विराज जी हैं, काजल अगवानी है, उसमें मैं मेन विलन हूँ। अपनी निजी जिंदगी में आपने ऐसा किया है किसी को चीर दिया? नहीं नहीं यार, मैं बहुत सीधा साधा आदमी हूँ, बहुत डाउन टू अर्थ आदमी हूँ, मैं चीर फाड़ करने वाला आदमी नहीं हूँ। बहुत मेहनती है और बहुत ही काबिल इंसान है ये, और डाउन टू अर्थ ये भी है, अच्छे सिंगर है, तो मेरी शुभकामना है इनके लिए, आप राइज करो। थैंक यू। आज ऐसा मुझे बताए रियाज जी, कल बात हुई थी रियाज जी से, तो बताए जो फिल्म का मुद्दा पे आज जी पट्टी साहब, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और कन्हैया जी से मैं काफ़ी पहले से जानता हूँ, काफ़ी 10 साल हो गए मुझे कन्हैया जी से जानते हुए, जब वो प्रोड्यूसर थे तब भी ऐसे फिल्मों की लाइन लगाए थे, और जब आज वो डायरेक्शन कर रहे तो ऐसी फिल्मों की मुद्दत कर रहे, काफ़ी खुशी हुई मुझे उनसे। थैंक यू। आर के की मेलोडी के माध्यम से जितने भी पिक्चर फिल्म रिलीज हो रही है, बन रही है, मैं चाहूँगा कि मेरा शुभ आशीर्वाद है कि दिन प्रतिदिन इसमें आगे विकास करता रहे। और हमारे कन्हैया जी के कुशवाहा जी हमारे बहुत अजीज हैं, काफ़ी समय से मैं इनके साथ में रहा हूँ, और आज भी आने वाले भविष्य में भी चाहता हूँ कि मैं इनके साथ सजा रहूँ, और मेरा शुभ आशीर्वाद इनके साथ रहे। मेरा तो मतलब ये है कि सर मतलब ज़्यादा अच्छे से बताएंगे, इनकी तो ये अस्सी जी हैं और बहुत अच्छी, इनका टैलेंट का मैं कायल हूँ, और इनका काम देख करके, हालांकि ये भोजपुरी क्षेत्र से नहीं है, एमपी से बिलोंग करती है, मगर इन्हें काम देख करके, इनका जो लुक चाहिए, जो फेस मुझे चाहिए, जिस लड़के का करेक्टर चाहिए, जैसा चाहिए, मुझे इनका लुक दिखाई दिया, और मैंने अपने फटीचर फिल्म के लिए अस्सी जी को मैंने चुना। मेरे लिए तो फर्स्ट होगा भोजपुरी, बिकॉज मुझे आता भी नहीं है, लेकिन हाँ मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है कि मैं भोजपुरी करूँ, और बिकॉज इसका भी एक बहुत अच्छा सा अपना इंडस्ट्री है, और जो स्टोरी सर ने दिया वो बहुत ज़्यादा, मतलब हमारे जो गांव में, आपके भी गांव में ऐसे ही होता है ना कि हम बाहर निकलते हैं क्योंकि हमारे गाँव में कुछ करने को नहीं होता है, तो ये बहुत ज़्यादा सीखने को होगा ना कि हम अपने गाँव में रह के अपने परिवार के साथ ही काम कर सकते हैं, उनके साथ रहने को भी मिलेगा और बाहर जाना भी नहीं होगा। देखते हैं सबके साथ मूवी की तैयारी, अरे तैयारी हो जाएगी बहुत ज्यादा होती है। हाँ हाँ, लेकिन ये है कि सारी यूनिट वहीं की है, तो कहते हैं ना एक माहौल में रहो तो वो ज्यादा निकल के आता है, ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि एमपी और बिहार यूपी खास करके जुड़ा हुआ है, क्योंकि ऐसी होती है ना प्रॉपर भोजपुरी भी नहीं है कि जो लोगों को समझना है, ये ऐसा कुछ होता है, हिंदी थोड़ा वैसे ही होता है कि नॉर्मल पर्सन को भी समझ में आ जाए, ऐसी लैंग्वेज होती नहीं, तो बिल्कुल तमिल हो जाएगी तो एकदम डफ करनी पड़ेगी, तो भोजपुरी ऐसी है कि सबको समझ